नमस्ते, दीप ज्योति क्रिएशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने राजमंड्री ट्रिप के 3 भाग मैंने अपलोड किया है और यह है चौथा भाग, चौथा और पांचवा भी कह सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया है वीडियो, इसे मैं कट नहीं करना चाहती क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सब वीडियोस अपलोड करना चाहती हूँ, इसलिए ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है। कृपया देख लीजिए, अगले बार मैं थोड़ा कम छोटा वाला वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। पहले हम देख चुके हैं कि कैसे हम बोट में चढ़ गए थे, कैसे कहाँ तक आ गए थे, टिफ़िन वगैरह हमने कर लिया था, वो सब हो गया था। इस वीडियो में हम थोड़ा पापी कोंडलों बारे में और एक हम मंदिर जाएंगे, वहाँ पे आदिवासी लोगों का मंदिर है, वो बहुत अच्छा है, वहाँ पर हम जाएंगे आगे आगे। पहले पापी कोंडलों जाएंगे हम। पापी कोंडलों एक पर्टिकुलर ऐसा जगह नहीं है कि एक ही पॉइंट पे है, बहुत लंबा है वो, दो पहाड़ों के बीच में से नदी जाती है तो बहुत लंबा रास्ता है उसका। और पापी कोंडलों किस लिए कहा जाता है वो आपको मैं पहले बता देती हूँ। पापीड़ी का मतलब है, पापीड़ी एक तेलुगु शब्द है, पापीड़ी का मतलब है मांग। दो पहाड़ों के बीच में से जब गोदावरी नदी जाती है तो दो हिस्से में बांट देती है, उसी तरह से मांग, हम जब मांग निकालते हैं तो बालों को हिस्सा बन जाता है ना, उसी तरह से उन्होंने पापीड़ी कोंडलू इसे कहते हैं। और कहते कहते ये हो गया है पापी कोंडलू, पापीड़ी डी उसका लुप्त हो गया है, पापी कोंडलू बन गया है। जैसे कि मांग हमारा दिखता है उसी तरह से बीच में से नदी जाने से पहाड़ों के बीच में से एक मांग जैसा उनको लगता है, इसलिए यहाँ के लोगों ने उसे पापीड़ी कोंडलू कहना शुरू कर दिया और कहते कहते वो तो पापी कोंडलू बन गया है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर नज़ारा है। मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊं तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लूरी सीताराम राजू जिले और एलुरु जिले में राजमंड्री के समीप यह पहाड़ी आता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। और ये बहुत बड़ा है, 1012 किलोमीटर वर्ग तक इसका विस्तार है और एक राष्ट्रीय उद्यान भी इसे घोषित किया गया है। 1978 में वन्य अभयारण्य और 2008 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है इसे। बहुत लंबा सफ़र रहने के कारण यहाँ पर एंटरटेन भी रहते हैं, मैंने पहले आपको बताया। इस बार दीपक जी को बुलाया है स्टेज पर और साथ में हमें भी बुलाया है और उनके साथ थोड़ा बातचीत हो रहा है। देखिए वो हमसे क्या क्या करवाते हैं, इसके बाद फिर मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाऊँगी। इंग्लिश में मन कष्ट కాబట్టి మేడం ఇక్కడ వచ్చేయండి మమ్మీ ఇక్కడ చూడండి గడి క్లాస్ లో ఇంగ్లీష్ చేయండి కుమారాలంటి కళ్ళు తిప్పింది బుందరాలున్న చుట్టూ తిప్పింది గింగిరలతే నడుమంపులో నుండే తిప్పింది ఏ వ్యాక్సిన్ ఎలా చెప్పండి బ్యాంగర్లో వచ్చారు అక్కడ అది రెండు పట్ల सर वास्तु मैडम इकड़ मैडम इकड़ वी सर इला मैडम ओके मैडम रंगारपेट मैडम प्रतिक सर पेरें भैया तिरुपति मै रीसेंट मैरेज बा लेट रही सर एम ले सर आलरे आलरे वन वैर कदमी इप रे बोर्ड की फस्ट टाइम इंत आलरे ना अंत सर चुनाव बैक्रउंड म्यूजिक फ्रंट
పోయింది రెండు మీద ఎదురు ఉంటాం ఎలా చెప్తారు చేయండి మీరు కొంచెం గట్టి క్లాస్ కూడా అగ్రెస్ చేయండి देखा ना आपने किस तरह से उन्होंने नचाया, बहुत अच्छा कोरियोग्राफी हो गया वहाँ पे। वो कोरियोग्राफर बहुत अच्छे थे, जो उन्होंने इजी इजी स्टेप्स से सबको नचवाया। जो जो इंटरेस्टेड है वो भी जाकर वहाँ पर नाच सकते हैं, और वो जिनको बुलाते हैं वो तो जाते ही हैं और नाचते हैं। उन्होंने थोड़ी भी हमें बोर होने नहीं दिया, बहुत देर तक उन्होंने एंटरटेन किया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुलाया और नचवाया। खुद भी बहुत अच्छा नाचे और स्टंट भी बहुत किए उन्होंने। देखिए हम पापी कोंडल एंटर हो रहे हैं। देखिए इस तरह से आजू बाजू में बहुत सारे पहाड़ होते हैं, उसके बीच में से नदी जाती है, गोदावरी नदी, देखिए इस तरह से। और इसके बाद हमने नाच गाना होने के बाद वो थोड़ा बीच बीच में टाइम भी छोड़ देते हैं, ताकि हम नेचर को एंजॉय कर सकें। देखिए सब लोग किस तरह से अच्छी तरह सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं,
सब लोग अच्छे से वीडियो करते करते एंजॉय भी कर रहे हैं। इसी तरह से हमने पूरा पापी कंट्रोल पूरा देख लिया, देखकर हमने बहुत ही मज़ा आया। मुझे पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ इतने अच्छा नैसर्गिक प्लेस भी है देखने के लिए। एक्चुअली हम अंडमान और निकोबार प्लान करने वाले थे, तो कोरोना के वजह से वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद मुझे लगा था वहाँ नहीं जा सकते तो ठीक है फिर रहने देते, तो मेरे मिस्टर ने कहा कि नहीं हम बाहर क्यों जाए, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे तरह की जगह है यहाँ पर एक। तो उन्होंने सर्च किया और हमने ऑनलाइन टिकट भी बुक किया। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगी, आपको रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। उसके बारे में आपको जो भी क्वेश्चंस है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर्स दे दूंगी कमेंट्स में। देखिए बहुत अच्छा नज़ारा है और छोटे छोटे गांव भी लगते हैं बीच बीच में, उनके नाम भी वो लोग बताते हैं। हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, देखिए हम अब नीचे चले गए, नीचे भी थोड़ा हमें एंजॉय करना था। पीछे बहुत आवाज़ आते रहती है, पीछे देखिए इतना स्पीड चलता रहता है, नीचे आने के बाद ही हमें पता चलता है। जैसे हम ऊपर रहते हैं तो पता ही नहीं चलता इतना स्पीडली जा रहा है, ऐसा लगता है कि रुक गया है जहाज, सामने ही नहीं निकल रहा है, आगे नहीं निकल रहा है, ऐसा लगता है। नीचे भी बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत देर तक नीचे भी हमने टाइम स्पेंड किया और ऊपर भी हमने टाइम स्पेंड किया। हम नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं। देखिए बच्चों के साथ हम नीचे भी आ गए थे, आकर हमने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया। और एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किस समय में हम पापड़ी कोंडल का ट्रिप करना चाहिए, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। हम चले गए थे लास्ट के मई महीने में, तब तो बहुत धूप था, बहुत गर्मी हो रही थी, बच्चों को भी बहुत गर्मी हो रही थी। आप अगर आप जाना चाहते हैं बेस्ट सीज़न जाने के लिए वहाँ, तो आप अक्टूबर से जनवरी तक जा सकते हैं, तब थोड़ा ठंडी रहती है ना, तब उतना आप गर्मी की तकलीफ़ नहीं होगी आपको। और या फिर आप नवंबर या दिसंबर में जा सकते हैं। अगर आप छुट्टियां नहीं रखती स्कूल की और एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं, स्कूल रहते हैं, इसके लिए अगर आप मई महीने में अगर जाना चाहते हैं तो ज़रूर आप हैट लेके जाइए और सनस्क्रीन लेके जाइए, और आप कॉटन क्लॉथ्स का ही इस्तेमाल करिए, उससे थोड़ा कम गर्मी होगी आपको। ऊपर हवा ज़्यादा आता रहता है, कोई बात नहीं है, फिर भी हमें थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगी वहाँ पे, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए ये एक छोटा सा गांव दिखाया उन्होंने, उसका नाम है सिरिवाका। यहाँ पर भी बाम्बू हट्स है, आप स्टे कर सकते हैं वहाँ पर भी। आप ऑनलाइन देखते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे गांव और बहुत सारे छोटे छोटे बाम्बू हट्स हैं वहाँ पे, जैसे कि सिरिवाका बाम्बू हट्स है और कोल्लूरू बाम्बू हट्स है, इस तरह के बहुत सारे हैं वहाँ पे। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, आजू बाजू पहाड़ रहते हैं, बीच में उन्होंने बाम्बू से हट बनाए रहते हैं, देखिए कितने अच्छे छोटे छोटे बनाए हैं उन्होंने। और वहाँ पर उन्होंने पूरी फैसिलिटी देते हैं दोस्तों, खाने पीने का आपको कोई बात नहीं है, सब फैसिलिटी वो दे देते हैं। आप देख लीजिए नज़ारा और एंजॉय करिए दोस्तों। जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया पापी कोंडल एंटर होने वाले हैं, तो हम नीचे चले गए। नीचे जाकर हमने बहुत सारे एंजॉय किए और थोड़ा बहुत हमने वीडियोग्राफी भी की, और कुछ वीडियोग्राफी इस तरह से थोड़ा लंबाई में आ गए हैं, कृपया क्षमा करें, और उसका आप मज़ा लीजिए। देखिए हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा लगा, ऐसा नैसर्गिक और प्राकृतिक पहाड़ वगैरह देख कर हमें तो बहुत अच्छा लगा। आवाज़
ఇక్కడ నోడ్రి మురుమంది ఏయ్ గౌరీ నీ నోడల अब हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर की तरफ बोट हमारा उन्होंने टर्न कर लिया है। यह त्रिलिंगेश्वर मंदिर इसका नाम है। यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ पर जाने से पहले वो लोग कुछ हमें नियम बता देते हैं, जैसे कि फ़ोटोग्राफी नहीं करना है और वीडियोग्राफी नहीं करना है और मोबाइल्स वगैरह बाहर नहीं रखना है। अगर आप फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं तो उन्होंने मोबाइल वगैरह छीन लिया तो हमारी जवाबदारी नहीं है, वो आप अपने पल के ऊपर लेके जाइए। तो सब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही लेके जाने के लिए देते हैं। और यहाँ पर और एक बात उन्होंने कहा कि मंदिर में घंटी वगैरह बजाना नहीं है, क्योंकि यहाँ के आजू बाजू जो पंछी रहते हैं, जो प्राणी रहते हैं, उनको हमारे वजह से तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। इस तरह के कुछ रूल्स वगैरह वो हमें समझा कर ही भेजते हैं। हम यहाँ पर आ गए, देखिए आप देख सकते हैं ये सब आदिवासी लोग हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कुछ अपने हाथ की कला से बहुत अच्छे बाम्बू के ट्री के बाम्बू के स्लाइसेस से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ये बना कर रखे थे। हम उसी तरह सब देखते देखते मंदिर के ओर चल पड़े। आप देख सकते हैं वीडियो में, देखिए चालू करो, हम जा रहे हैं। उनको तो आदिवासी लोगों का घर तो बहुत पसंद आया दीपक जी को। काश वो यहाँ पर ठहरना चाहते थे लेकिन ठहर नहीं सके। हम ऐसे ही निकल कर आगे चले। देखिए कितना अच्छे से फ्लावर पॉट बनाया है उन्होंने। और एक बात यह थी कि यहाँ पर बार्गनिंग करना नहीं है। वो लोग कितना रेट बोलते हैं उतना रेट से ही हमें लेना है। वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे थे, एक फ्लावर पॉट का 100 रुपया बोल रहे थे बस उतना ही। और वो तेलुगु ही बोलते हैं और थोड़ा बहुत इंग्लिश, इंग्लिश नंबर्स वगैरह वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर छोटा सा दुकान है उनका, शॉप है। देखिए घर भी उनका पूरा बाम्बू हट से बनाया है। ये देखिए छोटे छोटे शिप्स बनाए हुए उन्होंने, और पर्स बनाया है और फ्लावर पॉट उन्होंने बनाया है। बहुत अच्छा कलाकृति है उनकी। और छोटे छोटे घर बनाया है उन्होंने बाम्बू की लकड़ी से। देखिए इस तरह से बना बना कर वो रखते हैं और बेचते हैं। यहाँ पे फ़ोन पे नहीं चलता, कैश ही चलता है। देखिए वॉल पेपर भी उन्होंने बनाया है। देखिए कितने अच्छे से बना रहे थे। हो धूप ज़्यादा ही थी, हम पिछले साल गए थे यहाँ पर। देखिए बहुत अच्छा लगा हमें। इस तरह से थोड़ा चलना पड़ता है, थोड़ी देर चलने के बाद मंदिर ऑलमोस्ट हिंता आदिवासी एरिया ना गला की है। देवी इरुद हच मत इदु देवी दो देव दो नोड गुड़ी नोड मत मैं खोला खा दे। कोल्ड ड्रिंक्स हाउस हो वाटरफॉल दे ठीक। मंदिर के सामने ही एक छोटा सा झरना था। देखिए यहाँ पर सब लोग पांव धोकर मंदिर में जा रहे थे। हम भी धूप के वजह से बहुत थके हारे हुए थे। यहाँ पर जाकर पानी में पांव रखने से ही चिल्ड वाटर का इतना अच्छा लगा हमें, पांव में पूरा ठंडाई भर गई। उतना ठंडा था पानी और हमने हाथ पांव और मुंह धो लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से। सब लोग यहाँ पर हाथ पांव धोकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मैं यहाँ पर एक बोलना चाहती हूँ, ये मंदिर के साथ साथ एक ऋषि मुनि का आश्रम भी है। वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था
देखिए यहाँ पर कुछ लोग मंदिर के अंदर जाने से पहले ये झरने के पास ही बहुत टाइम स्पेंड किया सब लोगों ने, क्योंकि पानी भी बहुत अच्छा था। देखिए गंदा पानी वगैरह नहीं था, सफ़ेद अच्छा वाला पानी था। देखिए कितने अच्छा पानी जा रहा है। और मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत ठंडा था पानी, बहुत ठंडा रहने के वजह से सब लोग यहीं पर रहना चाहते थे, उतना ठंडा पानी का मज़ा लिया। बच्चे तो पानी में खेलने ही शुरू कर दिया था। देखिए यहाँ पर मुझे तो झरना बहुत पसंद है, ऊपर पहाड़ियों से पानी आता है यहाँ पर। देखिए इस तरह से हाथ पाँव मुँह धोकर और कुछ पिक्स वगैरह हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। क्लिक कर कर हम मंदिर के अंदर चले गए। देखे यहाँ पर गौरी मथुरा और उनके पापा आ रहे हैं। यहाँ तक ही था मोबाइल का इस्तेमाल करना, उसके बाद उन्होंने वीडियो और फोटोग्राफी करने नहीं दिया। यहाँ पर उन्होंने रंगोली डाला था, बहुत अच्छे से डाला था। क्या कला कसूरी है उनकी, कितनी कला है उनमें, आदिवासी लोगों में। देखिए ये अंदर मंदिर में का फोटो है, हमने चुपके से एक दो निकाल लिया, क्षमा करें वो हमें। उसके बाद ये बोट वाले 20 मिनट तक वहाँ पर रुके रहते हैं, उसके बाद वो बुलाते हैं, सब लोग आकर चढ़ गए और बोट निकल गई। देखिए आज जी कितनी सुंदर है, और उन्होंने फ्लावर पॉट खरीद लिया है वहाँ पर, कुछ कुछ लोगों ने कुछ कुछ सामान खरीद लिया वहाँ पर। हम फिर से बोट में बैठ गए और बोट निकल गई। पापी कुंडलू एक ट्रिप मारकर वो ऐसे घुमाकर इस मंदिर तक हमें लेकर आते हैं। इस मंदिर के दर्शन के बाद फिर वो बोट को घुमाकर हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हमें वो लेकर जाते हैं। हमारा बुकिंग कहाँ का रहता है वहाँ, वो बाम्बू हट्स के पास वो हमें छोड़ते हैं। किसी का सिरिवा का बाम्बू हट्स का बुकिंग रहता है, किसी का कोल्लूरु का रहता है। हमारा कोल्लूरु बाम्बू हट्स में हमारा बुकिंग था। उन्होंने अनाउंस किया कि आप का नीचे आ जाइए। देखिए ये मैंने यहाँ पर ख़रीदा फ्रूट्स रखने के लिए, ये 200 रुपए में पड़ा। उन्होंने 200 बोला था, 200 में दिया, कुछ बार्गनिंग वगैरह नहीं चलता। उन्होंने अनाउंस किया जो भी कोल्लूर बाम्बू हट्स में जाना चाहते हैं उधर कर आप अपना लगेज को देख लीजिए। तो हमने जब जाते समय नीचे रखे हुए थे हमारे सूटकेस वगैरह, वो सब लेकर हम नीचे आकर बैठ गए। देखिए एक कोल्लूर बाम्बू हट्स का रिजॉर्ट, कोल्लूर रिजॉर्ट कहते हैं वो, और या फिर कोल्लू बाम्बू हट, कोल्लूरु बाम्बू हट्स भी कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें ड्रॉप किया। देखिए आ रहे जो जो आज का बुकिंग जिसका जिसका था वो लोग यहाँ पर उतर गए हैं। देखिए यहाँ पर तकरीबन दोपहर के 3 बज गए थे, 3 या 3:30 बज रहे होंगे शायद। सब लोग उतर कर हम आ गए हैं। बोट हमें छोड़कर चला जाता है और वो हमें दूसरे दिन पिक करने आता है, दूसरा दिन इसी टाइम पे शायद 12 बजे के बाद में, 3 बजे नहीं 12 बजे के बाद कभी भी आ सकता है, दोपहर के खाना होने के बाद। हम आ गए हैं, ये देखिए बाम्बू हट्स, इस तरह के बाम्बू हट्स है। ये देखिए कंपाउंड बना हुआ है बाम्बू के लकड़ियों से, इस तरह के बाम्बू हट्स है यहाँ पर। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा बाम्बू हट्स थे। देखिए इस तरह से ये रिसॉर्ट में जाने की रास्ता है। ये वीडियो मैं वीडियो कर रही थी और दीपक जी और बच्चे आगे चले गए थे। देखिए हमें छोड़कर शिप जा रहा है। अगर हम भद्राचलम जाना चाहते हैं तो शिप स्ट्रेटली हमें भद्राचलम लेके जाता है। हम वन डे स्टे करने का सोचा था यहाँ पे बाम्बू हट्स में, तो इसलिए हम यहाँ का बुकिंग किए हुए थे। यहाँ आने के बाद वो लोग हमसे फॉर्म भरवा लेते हैं और हमारी पूरी जानकारी लेते हैं और
पूरे फॉर्म भरवा कर लेते हैं वो, देखिए। और हम अपने पसंद से बाम्बू हट्स को चुन सकते हैं, हमें कहाँ पर चाहिए, किस तरह चाहिए, किस साइड में हमें चाहिए। देखिए दीपक जी बैठे हुए हैं, बच्चे आते ही झूलने लगे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों देखिए दीपक जी बैठे हुए हैं, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।